पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का दूसरा मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएट स्टेडियम में 1 अप्रैल को 3:30 बजे से शुरू हुआ था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। वहीं पंजाब किंग्स के भूखे शेरों की क्रीज पर एंट्री हुई। सबसे पहले टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरे प्रभास सिमरन और कप्तान शिखर धवन। वहीं कोलकाता की तरफ से बॉलिंग करने उतरे उमेश यादव, जिन्होंने अपनी खराब बॉलिंग करते हुए शिखर धवन और प्रभास सिमरन सिंह को चौके छक्के मारने के लिए न्योता दिया। वहीं प्रभास सिमरन सिंह ने 2 ओवर में उमेश यादव और टीम साउथी की जमकर कुटाई की और 2 चौके 2 छक्के के बाद 12 बॉलों में 23 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वहीं नंबर 3 पर धाकर बल्लेबाजी करते हुए भानुकर राजपक्षा ने 32 बॉलों का सामना करते हुए 50 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं उमेश यादव की बॉल पर कैच आउट होकर चले गए। इसके बाद कुछ समय तक जितेश शर्मा और शिखर धवन की पारी अच्छी चल रही थी। वहीं जितेश शर्मा एक छोटी सी गलती के चलते टीम साउथी की बाउंसर पर कट लगा बैठे और 11 बॉलों में 21 रन की पारी खेली, जिसके चलते केकेआर को दूसरी सफलता मिली। इसी के चलते केकेआर के फैन काफी खुश थे। वहीं शिखर धवन ने गुस्से में 2 चौके मारकर खुशी को माधव में बदल दिया। उसके बाद कप्तान ने ओवर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में दिया, जिसके चलते वरुण चक्रवर्ती ने शिखर धवन को सीधा बोल्ड कर दिया, जहां शिखर धवन ने 29 बॉलों पर 40 रन बनाकर 6 चौकों के साथ शानदार पारी खेली। वहीं 4 विकेट केकेआर के नाम हो चुके थे। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर राजा पंजाब के बॉलरों का सामना करते हुए 13 बॉलों में 16 रन के साथ 1 छक्के को अपने नाम करके सुनील नारायण की बॉल पर कैच आउट हो गए। वहीं पारी को आगे बढ़ाते हुए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी सेम करण क्रीज पर खड़े हुए थे। उनका योगदान देते हुए शाहरुख खान ने 7 बॉलों पर 11 रन के साथ 2 चौके शामिल करते हुए मैच के आखिरी ओवर तक अपना योगदान दिया। वहीं सेम करण ने 17 बॉलों का सामना करते हुए 26 रन बनाकर पंजाब किंग्स ने 192 रनों का टारगेट कोलकाता के लिए खड़ा कर दिया। वहीं कुछ समय बाद केकेआर के खिलाड़ी मनदीप सिंह और रहमाजुल्ला गुरबाज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने उतरे। वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन कप्तान ने पहला ओवर सेम करण के हाथों में दिया। वहीं पंजाब के लिए पहला ओवर काफी महंगा पड़ा और सेम करण के बाद केकेआर के खिलाफ 13 रनों के स्कोर पर बॉलिंग करने आए अर्शदीप सिंह ने 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए, जिसमें मनदीप सिंह 4 बॉलों पर 2 रन बनाकर और नुकुल रोल 5 बॉलों पर 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वहीं दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट अपने नाम किए और पंजाब को एक अच्छी सफलता दिलाई। वहीं 4 नंबर पर बैटिंग करने आए वेंकटेश अय्यर ने पंजाब के बॉलरों की जमकर कुटाई करते हुए 28 बॉलों में 34 रन 3 चौके और 1 छक्के के साथ अर्शदीप सिंह की बाउंसर पर आउट हो गए। और वहीं रसल के बल्ले से आग उगलती हुई मात्र 19 गेंदों में 35 रन के साथ 3 चौके और 2 छक्के मारकर केकेआर के मैच में जान डाल दी थी, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से सेम करण की बॉल पर कैच आउट हो गए। उसके बाद केकेआर 192 रनों का पीछा करते हुए पूरी कोशिश के बाद 146 रन बनाकर अपने लक्ष्य का पीछा कर रही थी। और वहीं अचानक से मैदान में बारिश की एंट्री हुई, जिसके चलते डीएलएस मैटर के थ्रू पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से जीत अपने नाम दर्ज कर ली। और वहीं पंजाब ने आईपीएल की पॉइंट टेबल में 2 नंबर पर जगह बना ली है और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अर्शदीप सिंह को दिया गया है। दोस्तों, आप भी अर्शदीप सिंह के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।